आप में से किसी लोग किसी ने ये देखा है कि बिना नी रखे, यानी कि बिना फाउंडेशन रखे आप लोगों ने मकान खड़ा हुआ देखा हो? ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। इसीलिए कह रहा हूं कि आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बिना NCERT पढ़े आप लोग स्टेट PCS या आप लोग सिविल सर्विस निकाल सकते हैं। समय रहते हुए अभी भी आपके पास टाइम है, और पहले आप लोग NCERT को एक से दो बार कम से कम पढ़ लें। शॉर्ट नोट्स की ओर ध्यान मत दें। जब आप एक से दो बार NCERT पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको खुद मालूम चल जाएगा कि कौन से फैक्ट आपको अपने नोट्स में शामिल करना है, कौन से नहीं करना है। ठीक है, इसमें कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की वो सभी बुक्स जो आपकी सिविल सर्विस या स्टेट PCS के लिए महत्वपूर्ण है उन्हें कवर करवा दिया गया है। अब कक्षा 11वीं की हम लोग बात कर रहे थे राजनीतिक विज्ञान के बारे में, पॉलिटिकल साइंस साइंस के बारे में। इसमें एक बुक हम लोग कवर कर चुके हैं, राजनीतिक सिद्धांत कवर कर चुके हैं। दूसरी बुक हमें देखनी है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स है। वैसे भी आप अगर स्टेट PCS या किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर भी मुझे लगता है कि आपको अपने अधिकार के बारे में जानना चाहिए, स्वतंत्रता के बारे में जानना चाहिए, सामाजिक न्याय के बारे में जानना चाहिए, अपने संविधान के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखें होंगे हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक बात और याद रखिए, आपकी जो PDF है वो सभी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, और वैसे भी जो भी आपकी स्पेशल बुक होती है जैसे एम लक्ष्मी का, उसकी भी PDF आपकी बनवाकर टेलीग्राम पर डाल दी गई है, और भी जितनी अन्य PDF थी आपकी, ठीक है, वहां से आप लोग डाउनलोड करते रहिए। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, एक कक्षा 11वीं की जो भाग दो है वही है। ठीक है, इसमें आप लोग क्या क्या देखेंगे? ऊपर पढ़ते रहिए आप लोग, PDF आपको दे दी गई हो। मुझे लगता है कि इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा आपको जो आपको समझ में ना आए, बस आपको बड़े ध्यान के साथ अच्छे धैर्य के साथ पढ़ना है। बहुत साधारण शब्दों में लिखी गई है बुक्स, इसीलिए तो कहते हैं कि आपका एक बेस मजबूत हो जाता है इन्हें पढ़कर। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, बस आपको एक समझदारी विकसित करने के लिए इन्हें कहा जाता है कि पढ़ लेना। आजकल तो देखा जा रहा है कि NCERT क्लासों में भी पढ़ाई जा रही है, वैसे इनकी जरूरत नहीं पड़ती है कि क्लासें आपको लेनी पड़ी कहीं। सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि कौन सी NCERT पढ़नी है, कहाँ मिलेंगी, तो इसका समाधान कर दिया गया है। PDF आपकी सभी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड करके या वहां से देख लीजिए कौन कौन सी पढ़नी है, और खरीद सकते हैं आप लोग बाजार से। ठीक है, लेकिन पढ़ जरूर लें। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग भारत का संविधान उद्देशिका, इसे तो मुझे लगता है कंठस्थ आपको याद हो जाना चाहिए, कक्षा 6वीं से ही आप लोग पढ़ रहे हैं, और जिस तरह से आप किसी गीता में श्लोक पढ़ते हैं या हनुमान चालीसा कंठस्थ याद रखते हैं, उसी तरह से भी याद रख लीजिए। एक तरह से आपका हनुमान चालीसा यही है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मपर्त करते हैं। एक तरह से आप कहिए कि देखिए 26 जनवरी 1950 को आपका पूरी तरह से संविधान लागू हुआ, लेकिन कुछ प्रावधानों के साथ 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुका था। अगर आपको लोकतंत्र की एक सही परिभाषा देखनी है या लोकतंत्र के बारे में जानना है, तो आप उद्देशिका के बारे में जान लीजिए आप लोग, क्योंकि आपने उद्देशिका एक तरह से लोकतंत्र का सही अर्थ देता है। चलिए इसमें कौन कौन से चैप्टर हम देखेंगे, इन्हें भी आप लोग देख लीजिए। पहला चैप्टर होगा आपका संविधान क्यों और कैसे, दूसरे चैप्टर में बात करेंगे भारतीय संविधान में अधिकार, फिर देखेंगे चुनाव और प्रतिनिधित्व, फिर देखेंगे हम लोग कार्यपालिका, उसके बाद बात करेंगे विधायिका, उसके बाद देखेंगे न्यायपालिका, उसके बाद संघवाद, और फिर बात करेंगे स्थानीय शासन, और फिर बात करेंगे संविधान एक जीवन दस्तावेज, और 10वां चैप्टर होगा आपका संविधान का राजनीतिक दर्शन। क्या होगा? राजनीतिक दर्शन। ये आपके 10 चैप्टर हम लोग इस बुक्स में पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आप इसमें से कोई ऐसा चैप्टर चुनिए जो आपके लिए जरूरी ना हो, या आप भारत में रह रहे हैं आपके तब भी आपके लिए जरूरी ना हो। ये चैप्टर तो वो है जो सभी भारतीयों को जानना चाहिए, और सिविल सेवा में तो आप लोग देते हैं कि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि आपके कर्तव्य भी हैं कुछ, एक तरह से वैसा ही है कि आपका किसी से रिलेशन है, यानी कि आपका संबंध है, जो भी रिश्ता है कह लीजिए, उसमें सामने वाला आप पर भरोसा कर रहा है,
तो आपका भी कर्तव्य है कि आप भी उसके भरोसे को बनाए रखें। इसी तरह आप देखते हैं संविधान में आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, कुछ अधिकार मिले हुए हैं तो कुछ आपके कर्तव्य भी है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं कि अपने कर्तव्यों के प्रति हो सकता है कि जागरूक ना के बराबर हो, लेकिन अधिकारों के प्रति आप लोग जागरूक रहते हैं। ठीक है, इसे भी देख लीजिए, भारत का संविधान भाग 4 का में आपके क्या है मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। क्या क्या कर्तव्य हैं? अनुच्छेद 51 का इसमें दिए गए हैं मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में इस पर ज्यादा विवाद चल रहा है कि देश के कोई संस्था है या राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान है तो इससे कोई गाने के लिए मना करता है, तो आप सोचिए उसका तो कर्तव्य एक तरह से कि वो माने। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखिए और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। ये भी आपको देखने को मिलता है भेदभाव, इसमें भी देखने को भेदभाव मिलता है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। लेकिन आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जब भी धरना प्रदर्शन होता है तो सरकारी संपत्ति को जलाया जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है। आप समझिए कि इसका हमारा कर्तव्य है कि इसकी सुरक्षा करें हम, तो समझ रहे हैं। और इसका भुगतान किसे करना पड़ता है? हम ही लोगों को आगे जाकर करना पड़ता है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां कुछ हुए। अब बात करते हैं, एक और है आपका, यदि माता पिता या संरक्षक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या पितृपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये आपका जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य आपके जो कर्तव्य है ये मूल संविधान में नहीं थे। आप जानते हैं कि 1976 में आपका जो 42वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा इन्हें जोड़ा गया था, तो इन्हें भी याद रखिए। और मुझे लगता है कि आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एमपीपीएससी में आप देखते हैं 3 नंबर में आ जाता है, 6 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है, तो आपको अगर याद है सभी मौलिक कर्तव्य तभी आप क्रम डालें 1 2 3 4 5 इस तरह से। अगर आपको लगता है कि आपको भूल जाएंगे, आप एक दूसरे के नहीं रहेगा याद, तो क्रम उनका मत दें। आप डैश लगाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, डैश लगाने में क्या रहता है कि परीक्षक जो भी एक तरह से चेक करता है कॉपी आपकी, तो वो जानता है हाँ सभी लिखे हुए। अगर आप 1 2 3 4 5 लिखेंगे तो आप अगर एक भूल भी जाएंगे तो उसे मालूम चल जाएगा कि बच्चे ने भूल चुका है। तो जहां भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है वहां आप लोग डैश लगाकर लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें चलिए हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे।